करंट अफेयर्स का सबसे पहला होता है न्यूज़पेपर, फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एनीवन। मुझे लगता है कि मैंने द हिंदू पढ़ा था, लेकिन मुझे लगता है इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स सारे काफ़ी अच्छे होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे पॉइंट्स वो कवर होते हैं उसमें। और द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, जो भी न्यूज़ है एक ना एक बार दोनों में कवर हो ही जाती है। तो इंडियन एक्सप्रेस अच्छा है मेरे ख्याल से द हिंदू से, क्योंकि द हिंदू पूरा ही क्रिटिकल है। बस क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होना जरूरी नहीं है, हो सकता है आप थोड़ा अप्रिशिएट भी करने चीज होती है एक चीज़ों को। अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा काम कर रही है तो उसको अप्रिशिएट भी करना होता है, यानी कि बस क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ चीज़ें गलत होती है, कुछ चीज़ें सही होती है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि द हिंदू में खाली गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही पूरा लिखते हैं, थोड़ा प्रो गवर्नमेंट भी आपको लिखना होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ही एग्जाम है, आप ब्यूरोक्रेसी में ही जाने वाले हो। तो उसके लिए आप इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा है। अगर द हिंदू में कोई आर्टिकल अच्छा आ रहा है तो उसको देख सकते हो, नो डाउट। लेकिन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से आप दोनों पढ़ के देखो, जिसकी लैंग्वेज अच्छी है वो आप चूज कर सकते हो। इंडियन भी पढ़ोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा आपका। डेली करंट अफेयर्स किसी एक ऑनलाइन वेबसाइट का, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है ऑनलाइन वेबसाइट कौन कौन सी है, नाम ले ही लेता हूँ क्या जाता है। इनसाइट्स है, ओनली आईएएस है, आईएएस बाबा है, किसी एक को फॉलो कर सकते हो आप, और रिलीजियसली उसी को फॉलो करो। ये नहीं कि आज इनसाइट्स किया, कल वो कर रहे हो, परसों वो कर रहे हो, एक से करोगे तो सारी न्यूज़ कवर हो जाएगी आपकी। और अगर डेली करने का आपको टाइम नहीं मिल रहा है, वैसे 5 से 10 मिनट में कवर हो जाती है, 5 से 6 न्यूज़ रहती है हार्डली, उसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। और न्यूज़पेपर का भी आप 1, 2, 3 और 4, जो जनरल स्टडीज का 1, 2, 3, 4 का पेपर है, उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बना सकते हो। 4 कॉपी बना लो 1, 2, 3, 4 की। कोई एथिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है, किसी ब्यूरोक्रेट ने अच्छा परफॉर्म किया है, या फिर एथिक्स कहीं अपनी शो की है, कहीं ऑनेस्टी उसकी दिखी है, कहीं इंटीग्रिटी दिखी है, तो वो आप इसमें लिख सकते हो। कोई केस स्टडी दिखी है आपको तो वो लिख सकते हो इसमें। और 3, 2, 1 का आप सिलेबस लिख लो उस कॉपी में फर्स्ट पेज पे, और जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें लगें, जैसे पॉलिटी में अगर कोई रिजर्वेशन वाला इशू है, आपको लग रहा है वो पेपर 2 का पार्ट है, तो पेपर 2 में उससे रिलेटेड जो भी मेंस का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आर्टिकल वगैरह है, कोई एनालिसिस है, वो उसमें लिख सकते हो आप। फैक्ट वाली चीज़ें भी लिख सकते हो और एनालिसिस वाली चीज़ें भी लिख सकते हो। करंट अफेयर्स भी आप इसी में लिख सकते हो, या तो ये कर सकते हो कि अगर डेली पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो जो मंथली कंपाइलेशन आता है करंट अफेयर्स का, एक दिन लगेगा हार्डली, मतलब 3 to 4 आवर्स, उसमें आप डेली वाला एक किसी पेज में नोट डाउन करके रख लो, मतलब क्रिस्प बना के रख लो। जैसे मैंने ये किया था कि जिस भी मैं ऑनलाइन वेबसाइट को फॉलो करता था उसका मंथली मेरे पास सारा तैयार था। सेप्टेम्बर का मेरे पास 5 या 6 पेजेस में तैयार था, अक्टूबर का 5 या 6 पेजेस में तैयार था, ऐसे हर मंथ का मेरे पास 3 या 4 या 5 पेजेस में तैयार था। तो जब भी जैसे मैं अक्टूबर का, जैसे होता है ना सेक्शनल टेस्ट में सिलेबस दिया होता है कि इसमें पॉलिटी और हिस्ट्री आएगा, और साथ में अक्टूबर या और नवंबर का करंट अफेयर्स भी पूछेंगे हम लोग, तो जब मैं वो टेस्ट देने बैठता था तो अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर्स मैं अपनी कोचिंग से देखता था। कोचिंग वाले मतलब जो भी नोट्स होते थे इसमें ऑनलाइन वेबसाइट्स वाले, जो मैंने 3 या 4 पेजेस में बनाए होते थे, साथ में न्यूज़पेपर का अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का पूरा देख लेता था टाइमलाइन से, और साथ में ये जो मंथली करंट अफेयर्स आप किसी भी एक कोचिंग का फॉलो कर रहे हो तो उसके बाद में टेस्ट लिखता था। तो ऐसे ही आप मंथली बना सकते हो हर ऑनलाइन वेबसाइट की या किसी की, और या तो आप इसके साथ ही बना सकते हो, न्यूज़पेपर वाली कॉपी में ही इसको नोट डाउन करते जा सकते हो। अब ये नहीं कि आपको दोबारा पढ़ना है तो पूरा मंथली आप 150 पेजेस का पूरा रिवाइज कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। आप नोट्स बनाते जाओ, अगर 150 न्यूज़ है तो 5 या 6 पेजेस में कवर हो जानी चाहिए। और उसका ये है कि अगर जैसे कि इतना बड़ा है तो उसको एक हेडिंग दो, दो तीन बुलेट पॉइंट्स लिखो, जो जो मेन फैक्चुअल चीज़ें हैं प्रीलिम्स के लिए, और इतने में ही इतने बड़े न्यूज़ को कवर कर लो। तो छोटे छोटे करते जाओगे तो ऐसे एक एक हेडिंग, जैसे अगर कोई नई कमेटी बनी है उस कमेटी का नाम भर लो, साथ में उसका पर्पस लिख दो, जो दो तीन पर्टिकुलर्स हैं कि कितने मेंबर्स हैं, क्या क्या एज वगैरह है, और कितने टाइम के लिए अपॉइंट हुई है, वो थोड़े बहुत पर्टिकुलर्स बुलेट पॉइंट्स में लिख लो। वो न्यूज़ इतनी पूरी न्यूज़ इतने में कवर हो जाएगी। ये अगर नोट मेकिंग प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आप कवर कर लोगे। ऐसे ही करके 5 या 6 पेजेस में आप बनाते जाओ। डेली करंट अफेयर सोते से पहले एक देख सकते हो आप। पीआईबी को डेली फॉलो करो। पीआईबी में रोज कभी कभी ऐसा होता है कि 5 to 6 न्यूज आर देयर, और समटाइम्स इट हैपन्स दैट देयर आर मोर देन 20 और 25 न्यूज, क्योंकि जैसे बजट आता है तो बजट वाले दिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ होती है, या फिर कभी मंडे होता है तो बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज होती है वो अपनी नई नई स्कीम्स लॉन्च करती हैं, तो वो सारा पीआईबी में आपको मिल जाएगा। और जो डेली करंट अफेयर्स होता है जो भी किसी ऑनलाइन वेबसाइट का, वो सब पीआईबी और इन्हीं गवर्नमेंट वाली सोर्सेज से ही वो लोग न्यूज़ लेते हैं, तो कई कई बार वो छोड़ देते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको पीआईबी से मिल जाएगी जो वो लोग छोड़ देते हैं। तो पीआईबी आप डेली फॉलो करो, उसमें 70% जो न्यूज़ होता है वो कवर करने लायक नहीं होता, मतलब कोई यूजफुल यूज़ नहीं होता उसका, लेकिन 30% होता है, और वही 30% आपको लिखना है। और वो 30% पता चलेगा आपको जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रखे हैं, कि आपको पता है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं,
आपको पता है कि कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है। अगर 40,000 करोड़ किसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने दिया है और ऐसा लगता है कि वो नहीं पूछ सकते, तो उसको मत लिखो। हर चीज़ लिखना जरूरी नहीं होती। कोई डेटा, कोई नया स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट लॉन्च किया है, अगर उसको लगता है कि नहीं लिखना है तो मत लिखो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगता है वो लिखते जाओ साथ में। विकास पीडिया एक बहुत अच्छी वेबसाइट है गवर्नमेंट की है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे विकास पीडिया मैंने फॉलो की है। इसमें सारी स्कीम्स कवर्ड है गवर्नमेंट की जितनी अभी तक हैं, और सारी स्कीम्स की बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, उसका क्या पर्पज है, वो सारा इसमें स्टेटेड है। मिनिस्ट्री वाइज है और सेक्टर वाइज भी है। जैसे हेल्थ है तो हेल्थ के लिए सारी स्कीम्स उसमें, हेल्थ सेक्टर में आप इन करोगे तो सारा स्कीम्स आपको मिल जाएगी। और अगर मिनिस्ट्री वाइज करोगे तो मिनिस्ट्री वाइज भी आपको सारी स्कीम्स मिल जाएगी, कौन सी स्कीम का सब सेक्टर स्कीम्स कौन कौन सी है और गवर्नमेंट ने कब लॉन्च की, उसका जो अगर कुछ अमेंडमेंट हुआ तो कब हुआ, वो पूरा इस पे दिया हुआ है विकास पीडिया पे। तो जब भी टाइम मिले विकास पीडिया का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर ब्राउजर पे भी देख सकते हो। और पीआरएस का मंथली एक फॉलो करो, हाफ ईयरली पॉलिसी रिव्यू भी आता है लेकिन वो ज़्यादा होता है। मंथली पॉलिसी रिव्यू करोगे तो गवर्नमेंट के रिसेंट जो लेजिस्लेशंस हैं, अगर कोई नया ऑर्डिनेंस लेके आई है गवर्नमेंट, कोई नया बिल लेके आई है, अगर वो एक्ट बन गया है तो एक्ट ठीक है, बिल बन गया है तो बिल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जब तक वो एक्ट नहीं बनता। जब एक्ट बन जाता है तो वो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी नया लेजिस्लेशंस हैं वो सारे, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था लास्ट ईयर, वो एक्ट नहीं बन पाया लेकिन बिल था, तो जब भी वो आया तो वो पीआरएस में वो कवर्ड था, वो सारी चीज़ें देख लो उसमें। और जब भी आप किसी कोचिंग का या फिर जब भी आप कोई टेस्ट सॉल्व करोगे तो उसमें बेसिकली जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पीआरएस पीआईबी से ही पूछेंगे वो लोग, तो ये बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। योजना कवर करने का सिंपल तरीका ये है कि योजना में देर आर आई थिंक 8 to 10 आर्टिकल्स इन एवरी योजना ऑन विच एवर टॉपिक इट इज देयर। उसमें से आप कोई एक आर्टिकल ले सकते हो, सारे आर्टिकल्स में कंटेंट लगभग सेम होता है। मैंने 2-3 योजना पढ़ के देखी, मुझे लगा कि 8 से 10 जो भी आर्टिकल्स हैं सब में सेम कंटेंट है। कोई एक बढ़िया सा आर्टिकल लो और उसी को अपने वर्ड्स में लिख लो, उसी के पूरे नोट्स बना लो किसी एक ही आर्टिकल के, और बाकी सब चीज़ें छोड़ सकते हो आप। जैसे अर्बनाइजेशन पे है तो अर्बनाइजेशन पे सब सारे आर्टिकल्स में लगभग सेम ही चीज़ें होंगी, प्रॉब्लम्स होगा, सोल्यूशंस होगा, और जो गवर्नमेंट उसके लिए कर रही है वो होगा। तो वो किसी एक बढ़िया आर्टिकल को लो, उसी आर्टिकल का पूरा समरी बना लो, और जो फर्स्ट पेज पे होता है, जो फर्स्ट पेज पे एडिटर्स नोट्स होता है उसका, जो एडिटर अपने वर्ड्स में कुछ लिखता है और एडिटर नोट जो भी होता है वो फर्स्ट पेज का देख सकते हो आप। और फर्स्ट पेज के बाद कोई एक आर्टिकल, फर्स्ट पेज भी एक पेज का होता है, उसका जो प्रीफेस होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो देख सकते हो, और साथ में कोई एक आर्टिकल बढ़िया सा देख लो और उसी से पूरी योजना कवर हो जाएगी। तो योजना ऐसा पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 या 4 पेज का एक आर्टिकल पढ़ो, पूरी योजना कवर हो जाएगी। और आरएसटीवी का शो देख सकते हो आप, जब मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो बिग पिक्चर वगैरह, और जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तो साइंस मॉनिटर वाले शोज जो साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स किसी एक कोचिंग का, किसी भी एक कोचिंग का, जैसे विजन हो सकता है या फिर आपकी कोचिंग हो सकती है, किसी भी एक का फॉलो करो। और इसको अलग रखो बिल्कुल, ऑनलाइन वेबसाइट्स का अलग होता है और इसका अलग होता है, दोनों दोनों को फॉलो करो, इसको मंथ के एंड में और इसको डेली, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप, तो इतना बहुत एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ और पढ़ने की जरूरत है आपको। अगर कोई कुछ और सजेस्ट करता है तो फिर इट्स योर ओन चॉइस।